हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में रीजनिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग की और मैथ्स की, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। प्लस मैथ्स के स्पेशल चैनल बना जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर सारी संख्याएँ दी हुई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में भी सारी संख्याएँ दी हुई हैं। इस वाले डायग्राम में एक संख्या नहीं दी हुई, इसी को हमको वैल्यू बताना है। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं लुप्त संख्या ज्ञात करने वाले, इसका कोई ट्रिक नहीं होता, इसमें केवल आपको पैटर्न समझना होता है। जितने प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, पहले वाले डायग्राम को हम लोग देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे 6 है, 4 है, 2 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0, ये हमारा आता है क्या, 12, ठीक है। अभी हमको यहाँ पर स्किप कर देना है, यहाँ पर 12 है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका पूरा क्या आया है, 12। नेक्स्ट वाले को हम लोग देखते हैं, 10 में हम लोग 8 को प्लस करेंगे, 18 आएगा। 18 में 6 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा। 22 में 2 को प्लस करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, 18 में 6 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। 24 में 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 26। तो यहाँ पे 26 है। यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि 12 में से आपने 2 माइनस किया तो यहाँ पर 10 हो गया, 26 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा। और यही पैटर्न आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। कैसे, देखिए, 4 प्लस 14 18 हुआ, 18 में 12 प्लस करेंगे, फिर 12 में 10 प्लस करेंगे, ठीक है। तो 18 में 12 प्लस किया, हमारा क्या आया, 30 आया। 30 में 10 किया तो 40 आया, ठीक है, 40 यहाँ पे हमारा आया है। अब माइनस 2 भी करना है क्योंकि सभी में माइनस 2 करना था, तो यहाँ पे करेंगे तो माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 38, जो कि हमारा ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, प्लस हम लोग ने सही किया या नहीं। 14 में 12 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 26, 26 में 10 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 36, 36 में 4 प्लस करेंगे तो आएगा 40, और 40 में से 2 माइनस कर देना। क्या किया गया है इस क्वेश्चन में, बस सभी डिजिट को प्लस करके माइनस 2 किया गया है। यहाँ पे भी सभी डिजिट को प्लस करके माइनस 2 किया गया है। अब यहाँ पर भी सभी डिजिट को प्लस किया तो 40 आया, 40 से माइनस 2 किया तो 38 आया, जो कि ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से आपको यहाँ पे नंबर दे रखे हैं सभी में, एक नंबर नहीं दे रखा है, इसी की वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है 1, यहाँ पर 8, यहाँ 27, 64, 125, 216, 343, 512 एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई बार कराए हैं और अगर आपने उन वीडियोस को देखा तो आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन कर लेंगे। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं पहले। तो यहाँ पे है 1 का क्यूब, यहाँ पे है 2 का क्यूब, यहाँ पे है 3 का क्यूब, ठीक है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ 64, 125, 216, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, ठीक है। अब यही पैटर्न हमको यहाँ पे भी फॉलो करना है। ये है 7 का क्यूब, ठीक है, ये है 8 का क्यूब, अब 7 8, फिर यहाँ पे 9 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, जो कि हमारा ऑप्शन डी में साफ साफ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, बस आपको पैटर्न क्या फॉलो करना है, 1 2 3 का क्यूब, ठीक है, यहाँ पे 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, या 7 का क्यूब, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब, विच इज़ 729। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए, पहले मैं 5 क्वेश्चन को डिस्कस करती थी तो आप लोगों में से कमेंट आते थे कि मैम क्वेश्चन को बढ़ाया जाए, तो मैंने इसमें 10 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है और आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल है यानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अनुक्रम में अगला पद क्या होगा,
यहाँ पर दिया हुआ है अल्फ़ाबेट, यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया बी एम ओ ई ओ क्यू एच क्यू एस। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फर्स्ट को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट को देखते हैं, इसका भी हर क्वेश्चन का अलग पैटर्न होता है। ठीक है, बी के बाद यहाँ पर ई आया है, ई के बाद एच आया है। ठीक है, बी के बाद क्या आता है, बी सी डी ई, यानी कि दो का गैप। ठीक है, तो बी और ई में दो का गैप है। ई के बाद क्या आता है, ई एफ जी एच, फिर दो के गैप है एच आया है, फिर दो का गैप है एच आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि बी के बाद ई, ई के बाद एच, प्लस दो का गैप है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या आ रहा है, एम के बाद ओ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, एम एन ओ, एक का गैप। ठीक है, एक का गैप है, ओ के बाद क्यू आ रहा है, ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू आता है। ठीक है, तो एक का गैप है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, अभी हमने ये देखा कि इससे जाने में हमारा दो का गैप आ रहा है, इससे यहाँ पे आने में एक का गैप आ रहा है। अब लास्ट वाले को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ओ और क्यू है, ओ के बाद क्या आता है, पी ओ पी क्यू। ठीक है, यानी कि एक का गैप दे रहा है, तो यहाँ पे ओ से क्यू में प्लस वन का गैप है। ठीक है, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस आता है, तो यहाँ पे भी वन का गैप है। यानी कि हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, पहले दो का गैप देना है, फिर एक का गैप देना है, फिर एक का गैप देना है। यानी कि दो का गैप क्या आएगा, बी के बाद सी डी ई, ई आया, ई के बाद एफ जी एच आया, एच के बाद आई जे के बाद क्या आएगा, यहाँ पे के आएगा। ठीक है, अब एक एक का गैप देना है, एक एक का गैप, यानी कि एम के बाद एन के बाद ओ आया, ओ के बाद एक गैप, पी के बाद क्यू आया, क्यू के बाद एक गैप, आर, आर के बाद एस आएगा, और उसी की तरह यहाँ पे भी ओ के बाद एक गैप आएगा, ओ पी के बाद पी के बाद क्यू, एक गैप के बाद क्यू, आर के बाद एस, एस के बाद टी आता है, टी के बाद यहाँ पे यू आएगा। ठीक है, पहले दो का गैप, फिर एक का गैप, फिर एक का गैप, के एस यू, जो कि हमारा ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। मैंने आपको यहाँ पर समझाया, इसलिए थोड़ा टाइम टेकन हो गया, वरना ये क्वेश्चन आप 5 से 6 सेकंड में आराम से कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एक एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वैन आरेख बताना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या शब्द दिया हुआ है। ठीक है, दिल्ली, श्रीलंका, एशिया। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि क्या इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। एशिया के अंदर आता है श्रीलंका, एक कंट्री है। ठीक है, और दिल्ली जो कि भारत में आता है, तो यानी कि एशिया के अंदर ही बड़ा एक एशिया है, महाद्वीप है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, मान लीजिए ये एशिया है, इसी में श्रीलंका आ रहा है, और इसी में क्या आ रहा है, भारत, जो कि भारत के अंदर क्या है, दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे आपका बी हमें साफ साफ दिख रहा है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें आपको इस्टेब्लिश करना होता है रिलेशन। ठीक है, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाले डी वाले का, कि सब एक दूसरे से अलग हैं, अलग नहीं है, एशिया के अंदर ही आपका श्रीलंका आ रहा है और दिल्ली आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दिस वन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर छूट जाते हैं, मगर आपको ये क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या दिया हुआ, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है। वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, प्लस माइनस का जो ब्लड रिलेशन होता है, मगर इसमें बहुत टाइम लगता है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना होता है, कि जो भी क्वेश्चन दिया रहता है ना, इससे आप खुद को रिलेट किया करिए, खुद के सारे रिलेशन को रिलेट किया करिए खुद से, तो क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। जैसे ये क्या दिया है, एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, समझिए रोहित ने, यहाँ पे आप हैं। ठीक है, आपने कहा वह मेरे पिता की पत्नी, आपके पिता, आपके पिता यानी कि आपके पापा की पत्नी, यानी कि आपकी मम्मी। ठीक है, आपकी मम्मी के पुत्र। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि पुत्र तो आप भी हो सकते हैं या आपका भाई भी हो सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो भी आप उसको मन में रखेंगे समझने के लिए। आगे हम लोग करते हैं, पुत्र की पुत्री की बहन है, यानी कि पुत्र की पुत्री, यानी कि मान लीजिए आपके भाई की, भाई की, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री है, यानी कि आपके भाई की क्या है, आपके भाई की बेटी की बहन है, ठीक है। तो वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित होगी, या अगर इकलौता होता तो वह पुत्री हो जाती, यानी कि आपकी पुत्री होती, मगर आपका भाई है और भाई होगा तो ये आपकी भतीजी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसमें डी हो जाए करेक्ट आंसर। मान लीजिए इकलौता, अगर आप इकलौते बेटे होते तो वह आपकी पुत्री होती, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो वो पुत्री भी हो सकती है और भतीजी भी हो सकती है। कैसे, आप एक बार फिर से देखिएगा, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, ठीक है, मान लीजिए ये स्त्री है, यहाँ फोटो है, इसमें जो है रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी, यानी कि यहाँ पर जो है वह आपके पिता की पत्नी, यानी कि आपकी मम्मी के पुत्र, यानी कि मम्मी के पुत्र या तो आप या तो आपका भाई की पुत्री, ठीक है, आपकी डॉटर है कि बहन है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि बहन है, तो यहाँ पे क्या होगा, पुत्री या भतीजी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आसान प्रश्न है, यहाँ पे वेन डायग्राम दो दे रखा है, इस आकृति में यदि त्रिकोण गायकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये जो आपको ट्रायंगल दिया है ये सिंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और जो वर्ग है वो चित्रकारों को प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये जो है किसको, पेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको दे रखा है ये अलग अलग है, कोई रिलेशन नहीं है। देखिए पहला क्या, देख कुछ गायक चित्रकार हैं, ये आपका सही होगा कि गलत होगा, गलत होगा, क्योंकि देखिए ये ऐसा, कुछ गायक चित्रकार होते तो ऐसा होता, ठीक है, कुछ गायक चित्रकार होते तो कुछ का ऐसा होता, यहाँ पे ऐसा सिंबल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा दिया है सभी चित्रकार गायक हैं, सभी चित्रकार यानी कि ये जो चित्र, सभी चित्रकार हैं, ठीक है, ये जो आपका है ये वर्ग जो है, स्क्वायर जो है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तथा चित्रकारों को कर रहा है, तो सभी चित्रकार क्या है, गायक है, ऐसा बन सकता है, या तो सभी चित्रकार गायक हैं, सभी चित्रकार गायक हैं, ऐसा, बिल्कुल ऐसा नहीं, एकदम ही अलग अलग है, तो दूसरा भी आपका यहाँ पे गलत हो गया। तीसरा क्या दिया हुआ है, कुछ चित्रकार गायक हैं, ठीक है, कुछ चित्रकार गायक हैं, ऐसा भी नहीं है, कोई गायक चित्रकार नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्योंकि देखिए सब अलग अलग है, कोई चित्रकार गायक नहीं है, या कोई गायक चित्रकार नहीं, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड वाला दिया है आपका, एक सेकंड, हाँ, कि सभी चित्रकार गायक हैं, चित्रकार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे देखिए वर्ग चित्रकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ग चित्रकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सभी चित्रकार गायक हैं, तो ये भी आपको बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इजी भी है, इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए चित्रों में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक ये हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो छः नहीं, अभी इसमें और भी हैं, ठीक है, और कौन सा है, और आपका हो जाएगा ये सात, ठीक है, ये सात हो गया, और ये हो गया आठ, एक ये हो गया, उसके बाद इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, ये हो गया आपका नौ, ठीक है, इन्हें हो गया, ये हो गया दस, उसके बाद ये हो गया आपका ग्यारह, एक ये हो गया, और एक आपका ये वाला हो गया बारह, ठीक है, ऐसे आप समझिए, एक छः पाँच चार को बना रहा है, एक एक दो तीन को, डेड वाले की बात कर रही हूँ, तीन बना रहा है, एक जो आपका छः एक दो को बना रहा है, और एक पाँच चार तीन को बना रहा है। देखिए छोटा वाला तो आपने समझ गए होंगे, बड़े वाले में एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, डेड वाला, ठीक है,
छोटा वाला तो समझ गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 देन 7 देन 8, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो जो उसके बाद में मैंने आपको बताया है वो वाला है। मैंने कहा 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ऐसा था ना। तो 1 2 3 कौन सा है, 1 2 3 ये हो गया आपका। और दूसरा क्या है, 6 5 4 ये वाला, ठीक है। 8 पहले बना दिए थे मैंने, ये 9वां हो गया, 10वां हो गया। अब कौन सा है, एक और आपका, 1 2 3 हो गया, 6 5 4 हो गया, 1 5 4 3, यानी कि 5 4 3। और एक लास्ट आपका और होगा, वो कौन सा होगा, 6 1 2, 6 1 2, जो कि ये है। तो 12 बन रहा है। ये तो हो गया नॉर्मल मेथड, ठीक है, कि 12 ट्रायंगल बन रहे हैं। और एक होता है ट्रिक, इस स्टिक में क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, इसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो आएगा 12, जो कि ऑप्शन डी में साफ साफ दिख रहा है। नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो ट्रिक मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल मेथड में बता दिया मैंने, ट्रिक वाला बता दिया, ट्रिक वाला फिर से बता दे रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 है यहाँ पे छोटे वाले, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और 2 ही से मल्टीप्लाई करना होगा, ये नहीं कि अलग हो, ये डिजिट आपके छोटे वाले त्रिभुज की संख्या तो चेंज हो सकती है, मगर जो आपको मल्टीप्लाई करना होगा वो 2 से ही करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, एनालॉजी कहते हैं इसको, समरूपता कहते हैं। इसमें आपको देखना होता है कि जैसे ये आया है वैसे यहाँ पे भी रिलेशन एस्टेब्लिश हो, और क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे आपको पता करना होता है कि क्या आएगा नेक्स्ट डिजिट। तो यहाँ पे है 3 और 30, ठीक है, 7 क्वेश्चन मार्क, यही आपको पता करना है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, 3 × 10 किया तो आ गया 30, चलिए एक तो हो गया। क्या 7 × 10 करेंगे तो क्या 70 आ रहा है, किसी ऑप्शन में 70 है, नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। इसको हम लोग अब दूसरे मेथड से करेंगे, वो क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे 3 × 10 वाला तो गलत हो गया ना, मैंने आपको बताया, अभी होगा 3 का क्यूब + 3, ऐसे चेक करते हैं, 3 का क्यूब + 3, 3 का क्यूब + 3, यानी कि 27 + 3 इसका 70। अब इसी तरह 7 का क्यूब + 7, 7 का क्यूब + 7, यानी कि 7 का क्यूब होता है 3 4 3 + 7, यानी कि 343 में 7 करेंगे तो आएगा हमारा 350, जो कि हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन डी में साफ साफ दिख रहा है। किस तरह मैंने किया, 3 × 10 से 30 आ रहा था, फिर 7 × 10 से 70 आया, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 का क्यूब में 3 + किया, 30 आया, 7 के क्यूब में 7 + किया, 350 आया, जो कि डी में साफ साफ दिख रहा है। 7 का क्यूब होता है 343 + 7, 350, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड को 7 लिखा जाता है, सांप को 9 लिखा जाता है, इस कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, सबका हमें नॉर्मल कोड लिख देना है। तो बी का कोड क्या होता है, ए का कोड क्या होता है, डी का कोड क्या होता है। बी का कोड होता है 2, ए का कोड होता है 1, डी का कोड होता है 4, सबको प्लस किया तो क्या आया, 4 5 6 7, जो कि सही जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लाइन खींचते हैं, दूसरा वाला करते हैं, सैप का, एस का कोड क्या होता है, 19, ठीक है, ए का कोड क्या होता है, 1, और पी का कोड क्या होता है, 16, इनको प्लस किया तो आया 36, तो यहाँ 36 तो नहीं, यहाँ तो 9 है, तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है, 36 जो आया है ना, यहाँ बता दे रही हूँ, 36 जो आया है उसमें 6 + 3 कर देना, यानी कि इनको ऐड करना है, एक डिजिट में आंसर लाना है, तो आएगा 9, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। अब इसी तरह क्या करना है, बैन का करना है, बी का कोड होता है 2, ए का कोड होता है 1, एन का कोड होता है 14, ठीक है, यानी कि 2 1 14, प्लस किया क्या आया हमारा,
17 आया, बट दो डिजिट में नहीं लाना है, एक में लाना है, तो 17 आया है, 7 प्लस 1 करेंगे 8, जो कि हमारा ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। कुछ नहीं करना है, बस सारे जिनका जो वैल्यू होती है कोड वैल्यू उसको प्लस कर देना, अगर दो डिजिट में आएगी ठीक है, जैसे कि 36 आया था तो 6 प्लस 3 करके 9 आ गया, उसी तरह अगर 17 आया था तो 1 प्लस 7 करेंगे तो 8 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है पासे से संबंधित है। देखिए पासा की एक स्पेशल क्लास की वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्या है, नीचे पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताइए कि दो के सम्मुख कौन सा अंक आएगा। ठीक है, दो के सम्मुख कौन सा अंक आएगा। देखिए जो एज वाला, वो जो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन मैंने कराया है, अगर आपको वो समझ में नहीं आएगा तो उस क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको फिर से समझा दूंगी। यहाँ पे क्या दिया हुआ, नीचे पासे के चित्रों के आधार पर बताइए कि दो के सम्मुख कौन सा अंक है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि दो हमारा कहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मैं चेंज करती हूँ कलर। देखिए दो हमारा इसमें दिख रहा है। ठीक है, अब हमें बताना है कि दो के सम्मुख क्या आएगा, यही हमें क्वेश्चन पूछा है। तो अब हमें इस तरह के क्वेश्चन में ये देखना होता है कि अब दो के अलावा जो संख्या है वो क्या दी हुई है, एक और चार दी हुई है। अब आपको देखना है कि एक चार किस पासे में है, एक चार आपको इस पासे में दिख रहा है। ठीक है, तो बस हमारा अब इन्हीं दो पासे से क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होगा, बाकी के ये दोनों पासे का कोई काम नहीं है। देखिए कैसे करना होता है, फिर से बता रही हूँ। दो के बताना है दो के सम्मुख कौन सा अंक है, तो दो यहाँ पे दिख रहा है, तो एक पासा ये हमारे काम का है। अब दूसरा पासा पता करने के लिए हमें देखना होता है कि दो के अलावा कौन कौन से नंबर हैं, एक और चार हैं। अब हमें देखना है कि वो एक चार नंबर किस पासे में आ रहा है, एक और चार कॉमन नंबर और किस संख्या में है, तो आपको दिख रहा है कि एक और चार इस पासे में है। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, बाकी जो संख्या बचेगी उसकी उसी के अलावा ही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक चार तो हो गया, यहाँ पे एक चार तो हो गया, बचा है दो। दो के सम्मुख कौन सा होगा, दो के सम्मुख कौन सा होगा, यहाँ पे होगा 5, जो कि है ऑप्शन डी में। सिंपल क्वेश्चन है, बस यही करते हैं। सबसे पहले पता करना होता है वो जो संख्या दी हुई है उसके अलावा कौन सी संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, मैं फिर से बता दे रही हूँ। दो को देखते हैं, दो के अलावा कौन सा, एक चार, उसको हम दूसरे किसी पासे में सर्च करते हैं और उसके अलावा जो डिजिट बचती वही हमारा आंसर हो जाता है, जो कि यहाँ पे 5। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस किया। आपके कहने पर मैंने 5 से बढ़ाकर एक क्वेश्चन को 10 किया है। बस आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा। अगर आपको ब्लड रिलेशन वाला नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से समझाऊंगी। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।